जम्मू कश्मीर में पिछले छह दिन में अब तक 18 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने बताया बड़ी कामयाबी। डीजीपी ने कहा कश्मीर में अभी 200 से 250 आतंकी सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम से एक वीडियो सामने आया जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से आतंकी मलबे से निकलकर भागता हुआ दिख रहा है। आतंकियों की सफाई पर सेना प्रमुख बिपिन रावत का बयान, कहा एक एक कर खत्म कर देंगे आतंकियों की लीडरशिप। राजस्थान की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली को वंचित समाज का बताया, बयान पर भारी विवाद हुआ। बजरंग बली को वंचित समाज का कहने पर योगी आदित्यनाथ से राजस्थान का ब्राह्मण समाज नाराज है, नोटिस भेजकर माफी की मांग की है। बजरंग बली को वनवासी और वंचित समाज का बताए जाने पर भड़के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, का सीएम योगी ने किया पाप। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। अर्जेंटीना में G20 बैठक के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी रहेंगे मौजूद। पटना की अदालत में आज तेज प्रताप यादव की तलाक की अर्जी पर सुनवाई होगी। सीबीआई में जारी खींचतान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच की जरूरत है या फिर नहीं। कर्ज माफी की मांग को लेकर आज दिल्ली में जुटेंगे देश भर के किसान, कल संसद तक मार्च करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में सब्जियों के सही दाम न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर सब्जियां फेंक कर प्रदर्शन किया। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है आज। काला हिरण मामले में झूठे तथ्य पेश करने का मामला, जोधपुर में सलमान खान के खिलाफ सुनवाई होगी। 1984 सिख दंगों के त्रिलोकपुरी हिंसा मामले में 88 दोषियों की दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी। राजस्थान में कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र, 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी ने पहले ही सरकार बनने पर 10 दिनों में कर्ज माफी की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में ईवीएम में कैद हुई नेताओं की किस्मत, कल प्रदेश के सभी सीटों पर हुए चुनाव में करीब 75% वोटिंग हुई। तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, राज्य के शिक्षकों से भी मुलाकात करेंगे राहुल। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत आज राजस्थान में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, 4 जनसभाओं में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार में जुटी, 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होगा मराठा आरक्षण विधेयक, विधेयक पर राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट भी पेश होगी। एसपी विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में बदले हुए शहरों का नाम बहाल किए जाने की मांग की है। अलग विदर्भ राज्य की मांग के समर्थन में उतरेंगे एक साथ कई दल, विदर्भ निर्माण महामंच के तहत लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महापंचायत में सीलिंग पर किया बड़ा ऐलान, कहा सीलिंग रोकने के लिए अध्यादेश नहीं आया तो करेंगे संसद का घेराव। जेडीयू के बाद एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने की वकालत की, कहा कोर्ट से ही निकलेगा हल। बिहार के 16 शेल्टर होम्स में बच्चों से यौन शोषण मामलों की जांच सीबीआई करेगी, बिहार पुलिस की जांच से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। बिहार में एलजेपी की कमान अब चिराग पासवान के हाथ में, पिता रामविलास पासवान बोले अब से पार्टी से जुड़े सभी फैसले चिराग करेंगे। बिहार विधान परिषद में आरजेडी के 5 सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में राबड़ी देवी धरने पर बैठी, तेजस्वी यादव गेट पर धरने पर बैठे। गुजरात में पूर्व बीजेपी विधायक लालजी मेर कांग्रेस में शामिल हुए, कहा 4 सालों में सिर्फ पार्टी ने दिया आश्वासन। चेन्नई में मेकेदातु जल परियोजना पर नाखुश डीएमके पार्टी, आज करेगी बैठक। मुंबई के परेल में एक युवक के एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्टंट के वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। स्टंट करने वाली ब्रिटिश टीम को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा। दिल्ली के बदरपुर में 92 साल के बुजुर्ग की हत्या के केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने खुद के नाबालिग होने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने करीब 8.5 लाख की नकली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल और बांग्लादेश के जरिए दिल्ली एनसीआर में हो रही थी नकली नोटों की सप्लाई। पश्चिम बंगाल के नादिया में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 8 की मौत, 18 लोगों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
प्रयागराज कुंभ के लिए संतों ने रेप के आरोपी दाती महाराज का महामंडलेश्वर का पद वापस लिया। कुंभ में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 20,000 की घूस लेते एक क्लर्क गिरफ्तार किया गया। यूपी के मेरठ में एसपी नेता के भतीजे को गोली मारी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी अब तक फरार। यूपी के मेरठ में कल हुए एनकाउंटर पर परिजनों ने सवाल उठाए, कहा एनकाउंटर में मरने वालों पर नहीं है कोई आपराधिक केस। यूपी के बुलंदशहर में कार लूटकर भाग रहे 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 1 सिपाही घायल हुआ। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के मलिहाबाद में घर में ही एक युवक की धारदार हथियार से हत्या, घटना की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के वाराणसी में वैन चालक ने बच्चे पर चढ़ाई गाड़ी, मासूम छात्र की मौत, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के मेरठ में ट्रेनों में पोस्टर चिपकाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, भोंदू बाबा के पोस्टर चिपकाते थे आरोपी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने 11 चोरों को गिरफ्तार किया, 15 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ। यूपी के एटा में धान खरीद के लिए खोले गए केंद्र पर सन्नाटा पसरा है, किसान प्राइवेट आढ़ती को बेच रहे हैं धान। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर अब तक 190 चालान काटे गए, बीते 4 नवंबर को ही हुआ था औपचारिक उद्घाटन। एनजीटी ने प्रतिबंधित पेट्रोल डीजल वाहनों को खत्म करने की नीति बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट्स खोले गए। मुंबई से सटे भिवंडी शहर में खराब सड़कों के विरोध में रिक्शे वालों की आज रात से हड़ताल है। मुंबई में सामान्य से छोटे आकार के दिल की बीमारी से परेशान 1-2 महीने की बच्ची का वीडियो बाड़ी अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया। 7 साल के इलाज के बाद भी फायदा नहीं होने पर महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के धाम में पहुंची मुंबई के कोकिला में अस्पताल की एक डॉक्टर। गुजरात के अंबाजी मंदिर में बेटी की शादी का निमंत्रण लेकर पहुंची उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए साधु संतों का आना शुरू हुआ। यूपी के बहराइच में एक बाबा के अशोक के 100 फुट ऊंचे पेड़ पर आसन लगाने के दावे के बाद पुलिस लगाई गई। यूपी के झांसी में भारत और रूस की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी की निगरानी करने वाला उपग्रह आज प्रक्षेपित किया करेगा भारत। 8 देशों के 30 और उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। और खेल जगत से अच्छी खबर, भारत ने हॉकी विश्व कप का पहला मुकाबला जीता, दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से हराया। दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद हॉकी कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि आकाशदीप जीत के असली हीरो, कप्तान मनप्रीत सिंह बोले जीत की लय बनाए रखेंगे। हॉकी विश्व कप में भारत का दूसरा मैच रविवार को होगा, बेल्जियम से टक्कर होगी। हॉकी विश्व कप का मैच देखने भुवनेश्वर पहुंचे सलमान खान, फैंस सलमान को देखने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचे। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली एक नंबर पर बरकरार, आर अश्विन 7वें नंबर पर फिस गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज चुने गए शिखर धवन बोले टेस्ट टीम से बाहर होने पर दुखी था लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच का पहला दिन बारिश में धुल गया, सिडनी में पहले दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। बीसीसीआई ने दिसंबर में इमर्जिंग नेशंस कप के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया, अब भारत के मैच श्रीलंका में होंगे। पंजाब के खिलाफ रणजी मैच में दिल्ली 107 पर ढेर, गौतम गंभीर 1 रन बनाकर फ्लॉप, पंजाब ने 3 विकेट पर 136 रन बना दिए हैं, युवराज सिंह 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार का बड़ा बयान, कहा मिताली राज ने धमकी दी थी कि अगर विश्व कप में ओपनिंग नहीं कराई तो वो नाम वापस ले लेंगी और संन्यास का ऐलान कर देंगी। मिताली राज ने कोच रमेश पवार पर आरोप लगाए थे और कहा था कि पवार के व्यवहार से मैंने खुद को अपमानित महसूस किया। सानिया मिर्जा के बेटे इजान से मिलने पहुंची पीवी सिंधु और जोसना चिनप्पा, सानिया ने कहा शुक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलेनिया ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के पार्क में क्रिसमस ट्री सजाया। पाकिस्तान में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस प्रदर्शनी के मौके पर स्वदेश निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र में शैवाल के प्रभाव से बीते हफ्ते 20 से ज्यादा डॉल्फिन मछलियों की मौत हुई। दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने वाले घरेलू रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया।
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भयंकर आग के बाद बहुत से लोगों ने घर छोड़े, स्कूल भी बंद किए गए। अमेरिका के इंडियाना प्रांत में एक घर में आग के बाद चार बच्चों समेत छह लोग लापता। रूस की सेना ने वियतनाम के लाओस से अमेरिकी सेना के छोड़े गए हथियार बरामद किए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।